वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एविएशन विद शुभ्रा की मैं फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको स्पाइसजेट एयरलाइंस की तरफ से जो है वो फिर से एक न्यू वैकेंसी लेके आ गया हूँ, जो कि ये आपका ग्राउंड सर्विसेज बॉम्बे लोकेशन के लिए ये आपकी हायरिंग होने वाली है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन पर ऑन कर लें ताकि ऐसी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जॉब रिलेटेड मिलता रहे जैसे मैं वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है आपकी ग्राउंड स्टाफ के लिए हायरिंग होने वाली है स्पाइसजेट एयरलाइंस में, जो कि ये आपका बॉम्बे लोकेशंस में जो है ये आपकी हायरिंग होने वाली है। और इसमें मैं एक चीज और बता दूं कि ये आपका एक वॉक इन इंटरव्यू है, तो इसमें आपको कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो जो मैं आपको डेट टाइम एंड रजिस्ट्रेशन जो आपको वेन्यू बताऊंगा, तो उस पर आपको डायरेक्ट उस दिन आपको जाके जो है वो आपको इंटरव्यू जो है वो आपको दे देना है। अब मैं आपको डेजिग्नेशन बता देता हूँ कि डेजिग्नेशन क्या आपकी रहने वाली है। तो सबसे पहले आपका कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड ट्रेनिंग सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के लिए आपकी हायरिंग हो रही है, यानी कि आपका ग्राउंड स्टाफ में ही हायरिंग हो रहा है, जिसमें कि आप कस्टमर सर्विस के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए भी जो है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब मैं इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ कि क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में आपका मिनिमम जो आप होने चाहिए वो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होने चाहिए, मीन्स आपके पास ग्रेजुएशन की जो है वो आपकी डिग्री होनी चाहिए। फिर आप 18 से 27 इयर्स के लोग जो है वो इसमें एलिजिबल हैं, तो आप इसमें जाके इंटरव्यू जो है वो आप इसमें दे सकते हैं। फिर आपका इंग्लिश एंड हिंदी में फ्लुएंसी जो है वो आपका रहना चाहिए, और ये एक वॉक इन इंटरव्यू है, तो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही जो है वो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इंटरव्यू जो है वो आप देने जा सकते हैं। और आपको कस्टमर सर्विस किस तरीका से होती है, उसकी एडिक्वेट बिहेवियर, ये सब चीज़ जो है वो आपको आनी चाहिए, तो ये चीज़ का जो है वो आपको ध्यान देना। अब मैं इसमें आपको जो है वो मैं आपको डेट एंड रजिस्ट्रेशन एंड लोकेशन आपको बता देता हूँ कि क्या आपकी डेट टाइमिंग एंड रजिस्ट्रेशन का रहने वाला है। तो डेट जो रहने वाला है ये आपको 29 नवंबर को जो है ये आपकी इंटरव्यू कंडक्ट होने वाली है, और जो टाइमिंग रहने वाली है वो है आपका सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक जो है वो आपका इंटरव्यू, रात के 12 बजे तक, सॉरी ये आपका दोपहर के 12 बजे तक जो है ये आपका इंटरव्यू कंडक्ट होने वाली है। और अगर मैं इसमें आपको लोकेशन बता दूं तो ये आपकी द ऑर्चिड 70/C नेहरू रोड, एडजेसेंट टू डोमेस्टिक एयरपोर्ट, विले पार्ले, ईस्ट मुंबई 400099 महाराष्ट्र। तो ये आपको मैंने जो है वो आपको लोकेशन भी बता दिया, और जो लोकेशन है वो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दे दूंगा ताकि आपको कुछ भी मिस कम्युनिकेशन जो है वो आपको ना हो। अब मैं लास्टली यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में आपको उस दिन इंटरव्यू के दिन जो है वो आपको लेके जाना है। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपको अपडेटेड पासपोर्ट, फिर आपको अपडेटेड रिज्यूम एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड में आपको फॉर्मल यूनिफॉर्म में जो है वो आपको अपने साथ में कैरी करके जो है वो आपको लेके जाना है, और जो क्वालिफिकेशन का डिग्री होगा ग्रेजुएशन का वो भी आपको अपने साथ में जो है वो आपको लेके जाना है। तो आई होप कि इसमें मैंने आपको टोटल डिटेल्स बता दी हो, फिर भी इसमें आपको कुछ भी डाउट आता है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन वाले ताकि ऐसी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जॉब रिलेटेड मिलता रहे जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।